हेलो अमर सर, कैसे हैं आप? बस महिमा बढ़िया है। तुम बताओ क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, याद है बचपन में हम लोग गाँव जाते थे तो मामा और चाचा जो थे वो सवाल पूछते थे हमसे, ये बोलकर कि IAS के एग्ज़ाम में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ऐसे सवाल आते हैं। वही कुछ सवाल पढ़ रही थी, बहुत मज़ा आ रही है। ओह यार हाँ, याद है मुझे, ऐसे बहुत सवाल पूछते थे जो बड़े लोग होते थे ना, बहुत भाव खाते थे, कहते ये सवाल का जवाब बताओ, वो सवाल का जवाब बताओ। तुम्हारे पास है क्या सवाल? पूछो ज़रा दो तीन, देखते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं, पूछूंगा मैं भी तुमसे। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखें जरा कौन कितने पानी में है। पूछूं? ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं कि आप एक सवाल पूछो बहुत टाइम ले। अरे हाँ हाँ पता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत इंटेलिजेंट टाइप का आदमी हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। पूछो पूछो। रुक जाओ, मैं टाइमर लगा देती हूँ 10 सेकंड का, ठीक है? पहले सवाल पूछती हूँ फिर मैं टाइमर ऑन कर दूंगी। लगा लो भैया टाइमर, लगा लो, कोई टेंशन नहीं, लगा लो। पहला सवाल है कि दो जुड़वा बच्चे हैं, वो मई में पैदा होते हैं लेकिन उनका बर्थडे जो है वो जून में आता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जल्दी बताइए। मई में पैदा हुए हैं लेकिन जन्मदिन जून में आता है, मई में पैदा हुए हैं। मई बेटा शहर का नाम है, और बता दूं यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक शहर, एक सिटी है। हेमा जी इतना दिमाग तो हमारे पास ही है। ठीक है ठीक है, दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते हैं? बताइए। थोड़ा सा टफ लग रहा है, मतलब सभी कुछ खा सकते हैं, ऐसा कोई मतलब रोक टोक थोड़ी है। मैं तो मतलब पराठे वराठे, नॉन वेज, टेबल कुर्सी। खाना, टेबल चेयर नहीं बोला मैं सर आपको, खाना। ऐसा कौन सा खाना जो आप नाश्ते में नहीं कर सकते? पता नहीं, बताओ, I don't know. हो गया टाइम जमा। इसका जवाब है डिनर। आप डिनर तो नहीं कर सकते ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में नाश्ता ही करोगे, रात का खाना तो खाओगे नहीं, तो ये आप हार गए। ओ प्लीज, हम इंडियन है भैया, हम रात का खाना दोपहर में, दोपहर का खाना सुबह, सुबह का खाना रात, हम सब खा सकते हैं, ठीक है? ये फर्जी है। इंडियन लोग खा लेते, लेकिन ये जवाब गलत है। ठीक है अमर सर, चलिए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मान लेते हैं। हाँ मतलब टेक्निकली इट्स राइट, डिनर हम लोग ब्रेकफास्ट में नहीं कर सकते। अग्रीड मैडम, अग्रीड। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा लेवल जो है वो टफ मैं पूछूंगी। अभी तक मैंने बहुत आसान सवाल पूछे थे आपसे, अब नेक्स्ट जो टफ क्वेश्चन का जो दौर है वो शुरू होता है, ठीक है? हाँ, अगला सवाल ये है कि एक लड़की है, उसने 14 दिनों तक खाना नहीं खाया फिर भी वो जिंदा है, बताइए कैसे? 14 दिन तक खाना नहीं खाया, डाइटिंग पे रही होगी, पानी पी रही होगी, हवा खा रही होगी, आई डोंट नो, आई मीन अच्छा रुको, बताइए, सोचिए सोचिए। 14 दिन, अरे बेटा 14 दिन तक खाने खाए, डिनर तो खा रही होगी ना, रात का खाना। महिमा जी अभी आपका जो आपने सवाल किया नाम से कि ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खा सकते हैं ये वो, तो दिमाग में क्लिक किया मेरे को, समझी? हमारे भी थोड़े से घोड़े दौड़ने लगे हैं, आपके साथ रह के अब रहना है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। अगला सवाल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है अमल सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा से आपकी है और आपकी ही रहेगी, लेकिन आपसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, बताइए? ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? मेरे इमोशंस, मेरा दिल, आई मीन अरे यार वो मजाक की बात है। अच्छा मेरी है लेकिन लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अमल सर कर रही हो आपको, मेरा नाम, मेरे नाम का इस्तेमाल सब लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब मैं तो अपने आप को नहीं बुलाऊंगा ना, तो ऑफकोर्स जैसे तुम अमल कह रही हो, मेरे फ्रेंड्स अमल करते हैं, है वो मेरा, बट बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। अच्छा ये आखिरी सवाल अमल सर, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पकड़ती है पर आपसे दूर नहीं जाती, बताइए? ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो मुझे पकड़ती है मगर दूर नहीं जाती, मेरी खराब किस्मत। अच्छा मतलब जोक सपाट, नो आइडिया, नहीं बताओ।
अमन सर, इतने दिनों से हम लोग घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, पूरे देश पूरी दुनिया में जो है हलचल मच गई, किसकी वजह से? कोरोना वायरस। तो इसका जवाब है कोरोना वायरस। ओ कोरोना वायरस, हाँ बात तो सही है, बहुत ही जाता नहीं है, बहुत ही मुश्किलों से जाता है, परेशान कर दिया सबको। खैर गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरे कोई बात नहीं अमन सर, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। ठीक है बढ़िया है। नेक्स्ट टाइम बेटा मैं सवाल तैयार करके रखूंगा एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। देखता हूँ कि तुम कितने सवालों का जवाब दे पाती हो। ठीक है जी अमन सर, मैं तो रेडी रहूंगी, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे मैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूंगी ताकि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहे। सो काफ़ी खैर मज़ा आया, हर बार बात करते हैं तो इस बार कुछ डिफरेंट बातें की हमने, अच्छा लगा, कुछ पुरानी यादों से मिले, काफ़ी नॉस्टैल्जिया था, काफ़ी नॉस्टैल्जिक था और अच्छा लगा बात करके। सो फिलहाल घर पे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, हाथ धोते रहो, अपनों का ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, घर पे रहो, स्टे होम स्टे सेफ। जी स्टे होम स्टे सेफ।